कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक पुडिंग जो है राइस एंड वर्मिसली पुडिंग। ये डेजर्ट एकदम हटके है, बिल्कुल अलग तरह से, बिल्कुल ही नए तरह से मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है एंड आई होप आप सभी को भी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप इसे अपने गेस्ट को बना के खिलाएंगे तो कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि किन चीज़ों के साथ आपने इसे अपने घर पर बनाया है। मैंने अपने गेस्ट को ये बना के खिलाई और ट्रस्ट मी, सबको बहुत बढ़िया लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो स्टार्ट करते हैं इस पुडिंग को बनाना। सबसे पहले पैन में हम लेंगे आधा बाउल वर्मिसलीज। मैंने यहाँ पे रोस्ट किए हुए जवे यूज़ किए हैं, अगर आप अनरोस्टेड यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से आप भून लें। एक छोटा चम्मच हम इसमें घी का डालेंगे और इसको भी हम कुक कर लेंगे। इनको हमें आपस में चिपकने नहीं देना है तो थोड़ा सा हम इनको खिला खिला रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा चम्मच घी का यूज़ किया है। ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रिंची नहीं रहेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको पानी उतना ही डालना है कि ये हल्के से खिले खिले रहें और सॉफ्ट हो जाएं। इनको हमें सॉगी नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड ना करें। थोड़ा सा ही पानी मैंने और ऐड कर दिया है और बस इसी तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको हमें पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। बस हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं उतना ही करना है। जैसे ही वर्मिसलीज तैयार हो जाएं, मैंने यहाँ पे ये कोकोनट पाउडर लिया है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है रोज़ सिरप, इससे इसमें पिंक कलर आएगा। और उसी तरह से मैं सैफ्रॉन सिरप यूज़ करूँगी यानी केसर का सिरप, उससे उसमें येलो कलर आएगा। मैंने यहाँ पे फूड कलर्स को पूरी तरह से अवॉइड किया है। अगर आपके पास ये सिरप्स नहीं हैं तो आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो और पिंक, या फिर अपनी पसंद का कोई और कलर भी आप ले सकते हैं। मैंने फूड कलर्स यहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं, नेचुरल कलर्स मैंने इनको देने की कोशिश की है, तो इसलिए मैंने सैफ्रॉन सिरप और रोज़ सिरप यूज़ किया है। अब जिस भी ग्लास या बाउल में आप इसे सर्व करना चाहते हैं, वर्मिसली की एक लेयर उसमें इस तरह से आप सेट कर लें। बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे खीर। मैंने यहाँ पे ये चावल की खीर बनाई है और इसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि घर में हम खीर बनाते हैं और वो बच जाती है, आप चाहें तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। एकदम ठंडी खीर मैंने यहाँ पर यूज़ की है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, छोटे छोटे चेंजेस कर देने से ही डिश का टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाता है। थोड़े से इसमें हम टूटी फ्रूटी लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स खीर में पहले से ही पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की एक लेयर भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर से हम इसको कवर कर देंगे वर्मिसलीज के साथ। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है जो खीर की कंसिस्टेंसी है वो थिक रहेगी, बहुत ज़्यादा पतली खीर हमें नहीं लेनी है। वर्मिसली के ऊपर भी हमने खीर की लेयर लगाई है, इससे वर्मिसलीज भी सॉफ्ट हो जाएंगी। और फाइनल गार्निशिंग हम इसकी कर देते हैं कोकोनट पाउडर के साथ, जिसमें हमने फ्लेवर दिए हैं रोज़ का और सैफ्रॉन का। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये देखने में, कुछ अलग तरह से, कुछ हटके रेसिपी मैंने बनाने की कोशिश की है एंड आई होप आप सभी को ये अच्छी लगेगी। बहुत ही अच्छी बनी है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, इससे ये देखने में और भी अच्छे लगने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्लासेस देखने में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व करें। तो हमारी राइस और वर्मिसलीज पुडिंग बनके रेडी है।
बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन कुछ हटके और एकदम नई रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।